नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल में। अजब गजब कहानी आपको आज बताने जा रहे हैं। एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका ना ही कोई नाम है, बहुत ही रोचक है। इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इतना ही नहीं, एकल सरकारी स्वामित्व के मामले में भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या 8,000 के करीब है। कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो कुछ वजहों से काफ़ी मशहूर हैं। हमारे देश में हर रेलवे स्टेशन का अपना एक नाम और एक स्टेशन कोड होता है जिससे उसकी पहचान होती है। लेकिन आज हम आपको भारत के ऐसे एक अनोखे रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे जिसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। इस स्टेशन का कोई नाम नहीं है। इस बात को जानकर आपको हैरानी भी होगी कि भले ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है जिसका अपना कोई नाम नहीं है। ये स्टेशन पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांकुरा से मेजग्राम रेल लाइन पर स्थित ये स्टेशन दो गांव रैना और रैनागढ़ के बीच में पड़ता है। शुरुआत में इस स्टेशन का रैनागढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन रैना गांव के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि इस स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण रैना गांव की ज़मीन पर किया गया था। रैना गांव के लोगों का मानना था कि इस स्टेशन का नाम रैनागढ़ की जगह रैना होना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों गांव वालों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब स्टेशन का नाम को लेकर शुरू हुआ झगड़ा रेलवे बोर्ड तक पहुँच चुका है। झगड़े के बाद भारतीय रेलवे ने यहां लगे सभी साइन बोर्ड से स्टेशन का नाम मिटा दिया, जिससे बाहर से आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन का अपना कोई नाम नहीं होने के वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। हालांकि रेलवे अभी भी रेलवे स्टेशन को इसके पुराने नाम रैनागढ़ से ही टिकट जारी करता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।